आज के फुटेज। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फूड टिप बाय फूड टेक। आज के फूड टिप शॉर्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सॉफ्ट फनेल सीड्स। बहुत टाइम ऐसे होता है दोस्तों कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट में होटल में खाना खाने जाते हैं और वहाँ का खाना हम लोग शायद भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ की खाई हुई सौफ हमें बहुत याद रहती है, क्योंकि दैट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सॉल्ट एंड दैट द स्वीटनेस ऑफ दैट फनल एंड देयर क्रिस्पीनेस। तो इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगी कि वो टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल फनल आप घर के में कैसे बना सकते हैं, दैट इज अ स्पेशल रेसिपी। एंड हम लोग फनल के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है कि फनल सीड्स हम लोग को क्यों खाने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फनल सीड हम सब लोगों को पता है कि हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग फनल सीड्स खाते हैं, बहुत जगह इंडिया में खाए जाते हैं, एंड दैट इज फॉर गुड ऑल्सो। इट्स हेल्प्स इन योर डाइजेशन, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्लॉटिंग, ये सारे उसके जो गुण है। और सौफ को माना जाता है आयुर्वेदा में कि त्रिदोषा कंट्रोल करने में सौफ बहुत कारीगर है, कि किसी एक दोष के लिए नहीं, जो कफ पित्त वात हम लोग त्रिदोष बोलते हैं, वो तीनों दोष के ऊपर सौफ काम करती है। पहले के जमाने में तो लोग जो फनेल सीड्स है उसका काढ़ा जैसे, मतलब टी जैसे बनाते थे और वो लेते थे, कोई भी उनका अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए। तो सौफ तीनों दोष में काम करती है। सो एवरी मील, आफ्टर एवरी मील यू कैन हैव दिस सौफ पिंचफुल, नॉट अ हैंडफुल, माइंड इट, कि थोड़ा सा आपको खाना है। हर एक चीज का अगर आप एक्सेस में खाए तो उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट होते हैं। तो पिंचफुल आप सौफ हर रोज खाए खाने के बाद, सो दैट्स गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल। इट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर एंड मिनरल्स। तो आप इतने से भी अगर फनल सीड खाए तो दैट विल एड फाइबर टू योर स्टमक, विच विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड। ओके, सो इसके बाद मैं रेसिपी अटैच करने वाली हूँ जो रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व होती है, एकदम करारी सॉल्टी, उसकी आप ये बनाइए रेसिपी एंड जस्ट राइट मी इन अ कमेंट बॉक्स कि आपने ये बना के आपको वो रेस्टोरेंट स्टाइल का फीलिंग आया कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेसिपी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स ऑफ सौफ लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक ऐड कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें अभी मैं डालूँगी लेमन, जो मैंने हाफ से भी कम लेमन लिया है, उतना ही लेमन लेना है, ज़्यादा फिर खट्टा हास भी नहीं अच्छा लगेगा, इसके लिए हाफ से भी थोड़ा कम लेमन लेना है। और ये पूरा रस उसका ऐड करके यू मेक श्योर कि आप ये जो नींबू का रस है वो हर एक दाने में अच्छे से लगे और पूरा उसका जो स्वाद है वो इक्वल रहे हर तरफ। इसके लिए उसको अच्छे से हम लोग को एक 5 मिनट मिक्स कर लेना है। लेमन के वजह से एक जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। अब ये हो गया है अपना रेडी सॉफ। ये हम लोग क्या करेंगे अभी कि इसको हम लोग ओवरनाइट रखेंगे और दूसरे दिन सुबह उसको रोस्ट करना है, अभी फिलहाल रोस्ट नहीं करना है, तो ये मैं अभी कवर करके रखूँगी। चलो तो अभी ये देखिए, हम लोग ने ओवरनाइट ये रखा था, अभी आप देख सकते हैं कि ये फनल सीड से सॉफ है, उन्होंने अच्छे से कलर पकड़ लिया है जो टर्मरिक डाला था उसका, और ये ग्रीनिश से थोड़ा सा येलोइश भी कन्वर्ट हो गए हैं। सो नाउ लेट्स फ्राई दिस। आपको बहुत धीमे आंच पे फ्राई करना है, नहीं तो इसके जो इसेंशियल ऑयल होता है, इसमें अरोमेटिक जो ऑयल होता है वो पूरा निकल जाएगा अगर आप बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो। तो बहुत धीमे आंच पे इसको स्लो स्लो हम लोग अभी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पैन में अभी रखा है फ्राई करने के लिए, इसमें मैंने मीडियम गैस रखना है, एकदम फास्ट भी नहीं एकदम स्लो भी नहीं, मीडियम गैस के ऊपर आपको ये फ्राई करनी है धीरे धीरे। देखिए इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो रहा है, और काश ये वीडियो में खुशबू भी आती तो आपको मैं बता सकती कि कितना अच्छे से इसका खुशबू आ रहा है।
ये आपको, ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा, इतने मीडियम आंच पे रखा है फिर भी इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हल्दी थी इसके वजह से इसका अच्छे से कलर आएगा। इसको हम लोग 2 से 3 मिनट और रोस्ट करेंगे, ज़्यादा भी इसको ब्लैकिश नहीं करना है, नहीं तो फिर वो उसका कड़वाहट लगने लगेगा। सो और 2-3 मिनट हल्के से इसका ब्राउनिश कलर आने तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखिए ये पूरा अच्छे से ब्राउनिश कलर हो गई है। अभी मैं गैस बंद करके इसको उतारती हूँ और फिर आपको इसका कलर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये अपनी रोस्ट होके अच्छे से रेडी हो गई है, सॉफ्ट। और अभी इसमें क्या करना है, ये अभी फिलहाल गर्म है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एकदम छोटा सा चम्मच हम लोग इसमें पाउडर शुगर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी कि कभी भी सॉफ्ट अगर आपने रोस्ट किया तो उसको गर्म जब ही है तभी आप उसको किसी भी डब्बे में भर के मत रखिए, वो जल्दी से पूरा नरम हो जाएगी। तो इसको प्रॉपरली कूल डाउन करना है और कूल डाउन होने के बाद आप इसको एयरटाइट जार में रख सकते हैं, जिसके वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक करारी रह जाएगी। अदरवाइज आपने अगर उसको गर्म गर्म बंद किया तो वो पूरा मॉइस्चर पकड़ लेगी और 4-5 दिन में ही वो पूरा डल हो जाएगी। और इसमें एक वेरिएशन और आप कर सकते हैं जो मैं करती हूँ, कि इसको और थोड़ा हेल्थ बेनिफिट इंक्रीज करने के लिए जो फ्लैक्सीड्स रहते हैं तो मैं वो भी रोस्ट करती हूँ और थोड़ा सा अजवाइन वो भी रोस्ट करके इसमें मैं डालती हूँ। तो रात को खाना खाने के बाद ये आप इतना सा भी खा लो सो बहुत अच्छे से आपका डाइजेशन हो जाता है और दैट गिव्स यू अ हेल्थ बेनिफिट ऑल्सो। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, होप यू लाइक दिस रेसिपी। Just subscribe my channel for more knowledgeable video. Thank you.